दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यान काउंट के बारे में। वैसे यान काउंट को यान फाइनेंस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे यान नंबर भी बोलते हैं, सम प्लेसेस यान साइज भी बोला जाता है, यान लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं और यान टिकट नंबर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, सारी चीजें एक ही होती हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो एक्चुअली यान काउंट है क्या दोस्तों? अगर प्राथमिक परिभाषा अगर समझे हम यान काउंट की, कि यान काउंट क्या है, तो यान काउंट का मतलब होता है कि दी आप यहां देख सकते हैं, द फाइननेस ऑफ ए यार्न इज नोन एज ए काउंट ऑफ ए यार्न। द फाइननेस ऑफ यार्न इज ऑल्सो नोन एज द लीनियर डेंसिटी ऑफ द यार्न। इसका मतलब यह है कि यार्न का जो पतलापन होता है, यानी कि यार्न कितना पतला है, या उस यार्न की लीनियर डेंसिटी, वेट पर यूनिट लेंथ और वेट पर यूनिट वेट जो होता है, उसको हम काउंट कहते हैं। तो यान काउंट क्या होता है कि एक नंबर होता है, हर हर धागे का एक नंबर होता है, उससे उसकी पहचान होती है। वो सिर्फ ये बताता है कि धागा है जो आपका यान है, वो कितना मोटा है और कितना पतला है। तो दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक्चुअल में अब अगर आप देखेंगे तो यान काउंट एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। पहला होता है डायरेक्ट सिस्टम, जो ये दिखा रहा है आपको कर्सर के माध्यम से। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। अब दोस्तों, डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है? डायरेक्ट सिस्टम बहुत सिंपल सी चीज है। डायरेक्ट यान काउंट के डायरेक्ट सिस्टम में होता क्या है कि जब हम धागे का काउंट निकालते हैं सिस्टम में, तो धागे की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और बीकन से कांस्टेंट होती है, और धागे का वेट होता है, जो वजन होता है, वो यान काउंट के अकॉर्डिंग, यान काउंट के अनुसार वेरी करता है। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में जैसे जैसे धागे का काउंट बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, तो वो धागा उसी हिसाब से कोर्सर होता जाता है। और अगर हम उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फ्यू एग्जाम्पल्स जो बहुत ही पॉपुलर हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पॉपुलर होता है डेनियर। ये कॉमन रूप से फिलामेंट यार्न के लिए यूज किया जाता है, और पॉलिस्टर का जो फिलामेंट यार्न होता है, या रीजनरेटेड फाइबर्स का यार्न होता है, लाइक विस्कोस फिलामेंट यार्न, उन सब में ये यूज होता है। तो इसमें होता क्या है कि 9000 मीटर यार्न का, 9000 मीटर यार्न का जो वेट होता है ग्राम में, उसको हम उस यार्न का डेनियर कहते हैं। यानी कि द वेट ऑफ यार्न इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड डेनियर ऑफ ए यार्न। जैसे जैसे यार्न का डेनियर बढ़ता जाएगा, वो धागा कोर्स होता जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू फाउंड। अब आप पूछेंगे कि यार्न का डेनियर कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, वो हम आपको बता रहे हैं। वो उसके दो तरीके होते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आप बिगर यान पैकेज रखते हैं, आपके पास
कोई कौन है, कोई चीज है या कोई स्पूल है, तो उसमें से आप 9000 मीटर यार्न को मेजर करिए। रेपरील की हेल्प से आप उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको एनालिटिकल वेग स्केल पे उसको तोड़ लीजिए, तो आपका जो उस 9000 मीटर का वेट आएगा ग्राम के रूप में, वही उस धागे का डेनियर होगा। अब सवाल यह आता है कि हमारे पास में धागे की लेंथ कम है, या हम फैब्रिक से धागा निकाल के उस यार्न की काउंट टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल चीज होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि धागे से, कपड़े से कुछ धागे निकाल लेते हैं, 20 धागे, 30 धागे, 40 धागे। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य जरूर होती है कि आप जितने ज्यादा धागे निकालेंगे कपड़े से, उतने ही आपकी काउंट एक्यूरेट आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज करिए हमने एक 20 सेंटीमीटर का कट लगा दिया कपड़े में, तो उससे हम धागे निकालते गए, हमने 50 धागे निकाल लिए। एक धागे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, हमने धागे निकाले 50, तो हम 20 सेंटीमीटर को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में। हम उसको भाग दे देंगे 100 से। 100 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि हमें लेंथ को मीटर में रखना। अब 100 से भाग दे दिया तो आपको मीटर मिल गए, यानी कि धागे की लेंथ मीटर में मिल गई। तो बस सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्मूला है डेनियर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम इनटू 9000 डिवाइडेड बाय लेंथ इन मीटर्स। अब आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो वेट की ग्राम में करेंगे और लेंथ को मीटर में करेंगे, और 9000 से जब गुणा कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डेनियर ऑफ ए यार्न। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सिस्टम का एक और पॉपुलर काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, पॉलिस्टर में होता है, नायलॉन में होता है, रेयन में भी होता है। मैक्सिमम इसको यूज करते हैं फिलामेंट्स यार्न के लिए, कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न के लिए। अगर आप दूसरे में भी, स्पन यार्न में भी यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे बाइंग हाउस वाले, बहुत सारे कंट्रीज के जो इम्पोर्टर वगैरह होते हैं, वो स्पन यार्न को भी टैक्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं टैक्स के बारे में। तो एक्चुअली टैक्स का क्या होता है? तो टैक्स का सीधा सीधा मतलब है कि द वेट इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड टैक्स ऑफ ए यार्न। अब दोस्तों चूंकि ये डायरेक्ट सिस्टम है, तो इसमें जैसे जैसे यार्न का टैक्स इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे यार्न कोर्सर होता जाता है। इसको भी हम बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको कैलकुलेट करने में। कंडीशन वही है कि अगर आप पैकेज कौन या कौन के फॉर्म में है, तो उसमें से आप 1000 मीटर को एक रेपरील की हेल्प से आप एक स्किन बना लीजिए, हैंक बना लीजिए, और उसको आप वेइंग स्केल से आप तौल लीजिए, जितना वेट ग्राम में आएगा उस धागे का वो टैक्स होगा। अब बात आती है कि आप शॉर्ट लेंथ है आपके पास, या आप कपड़े से निकाल रहे हैं, तो उसको आप धागे निकाल लीजिए उसमें से, कपड़े से जितनी मैक्सिमम लेंथ के आप निकाल सकते हैं, और उन धागों से आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, और उस धागों का आप वेट वेट कर लीजिए एनालिटिकल बैलेंस से, और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको टैक्स पता लग जाएगा कि धागा हमारा किस सिस्टम का है। अब टैक्स
के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोग टैक्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। सपोज करिए डेसी टैक्स, दोस्तों जैसे डेसी मीटर होता है वैसे ही डेसी टैक्स होता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि डेसी टैक्स क्या होता है, तो बहुत सिंपल चीज है कि आप 10,000 मीटर धागा रैप रील की सहायता से नाप लीजिए और उसको ग्राम में वेट कर लीजिए, तो आपको उसका डेसी टैक्स मिल जाएगा। या हम सिंपल भाषा में बता देते हैं कि जो डेसी टैक्स होता है, डेसी टैक्स बराबर 10 times ऑफ टैक्स। तो सिंपल सी बात है। अब आते हैं मिली टैक्स। अब मिली टैक्स क्या होता है, जो 1000 मीटर धागे का जो वजन होता है जो मिलीग्राम्स में आता है, अगर आप 1000 मीटर धागा ले लो उसको मिलीग्राम में तोल लो तो जो वेट आएगा मिलीग्राम में वही धागे का मिली टैक्स होगा। तीसरा फॉर्म और होता है, किलो टैक्स बोलते हैं उसको। अब किलो टैक्स क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल चीज है। 1000 मीटर धागे का जो वजन किलोग्राम में आता है उसको किलो टैक्स कहते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे तीसरा काउंट जो डायरेक्ट सिस्टम को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड जूट काउंट। तो जूट काउंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ यार्न ऑफ 14,400 यार्ड्स लेते हैं और इसका जो वेट होता है वो हम पौंड में निकालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो द वेट इन पौंड्स इन एलवीज, एलवीज मतलब पौंड्स ऑफ 14,400 यार्ड ऑफ यार्न इज कॉल्ड जूट काउंट ऑफ यार्न। ये जो एलबीएस काउंट होता है ये जनरली और कॉमनली जूट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इसके अंदर भी है, जैसे जैसे आपकी काउंट बढ़ती जाएगी तो उसका जो कोसनेस होती है वो बढ़ती जाती है। अब दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इस काउंट को हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिटरमिन कैसे करेंगे, क्योंकि हम या आप 14,400 यार्ड की कोई हैंक और स्किन तो रैपिल से बना नहीं सकते। इतनी बड़ी हैंक बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप देखोगे कि इसमें क्या करना है। आप 4 meter 5 meter 6 meter 8 meter जो भी पॉसिबल हो उतना धागा आप ले सकते हो। उतना धागा लेने के बाद में उस धागे का आप वेट कर लीजिए। तो वेट आएगा किस में आएगा, ग्राम में आएगा, और लेंथ अगर मीटर में आई है तो आप लेंथ को कन्वर्ट करेंगे यार्ड में और वेट को कन्वर्ट करेंगे पौंड में। देखिए हम यहां पे कन्वर्जन दिखा रहे हैं। सपोज करिए वेट आया हमारा डब्लू ग्राम, अब डब्लू ग्राम वेट आता है तो डब्लू ग्राम को हम अगर एलवीज में कन्वर्ट करेंगे तो 453.6 से भाग देंगे। अब ये भाग दिया क्यों जाता है, ये इसलिए दिया जाता है भाग, डिवाइड इसलिए करते हैं कि एक पौंड के अंदर, एक एलवी के अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम्स होते हैं वो 453.6 होते हैं। तो जैसे ही हमने वेट को ग्राम को भाग दिया 453.6 से, तो ये आपका एलवीएस में वेट आ गया। अब जो आपका लेंथ आया, सपोज करो ये एल, यहां देख रहे हैं एल मीटर है, एल मीटर है, अब इसको क्या बनाना है आपको, यार्ड बनाना है। अब यार्ड बनाना है आपको तो सब इसमें हमने 100 से गुणा किया, जब 100 से गुणा किया तो क्या बन गया, ये सेंटीमीटर बन गया। यहाँ 2.54 से भाग दिया, ये जब हमने 2.54 से भाग दिया इसमें तो ये बन गया इंच। अब ये इंच बन गया, अब आप ये कहोगे 2.54 से भाग क्यों दिया, तो दोस्तों एक इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें अब हम
भाग दे देंगे 2.54 से, इंच बन गया। अब इंच में जब हम भाग देंगे 36 का, तो आपका जो टोटल का ये रिजल्ट आएगा वो यार्ड में हो जाएगा। अब यहां से कंफर्म हो गया, अब आपको दोनों वैल्यू पता चल गई कि वेट मिल गया आपको एलबीज में यहां पे, और लेंथ मिल गई आपको यार्ड में। तो अब आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जूट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, वेट इन एलबीज डिवाइडेड बाई लेंथ इन यार्ड इंटू 14,400। अब यहां पे हमने दोनों वैल्यू रख दी, देखिए दोनों वैल्यू रख दी हमने यहां पे, ये हम डेरिवेशन दिखा रहे हैं आपको यहां पे। तो W डिवाइडेड बाई 453.6, दिस इज इक्वल टू वेट इन LVS डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ यार्न इन यार्ड विच इज दिस वन इंटू 14,400। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपको यहां पे मिल जाएगा, वेट इन ग्राम्स अपॉन लेंथ इन मीटर्स डिवाइडेड बाय 29.0285। अब आप ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है। इस फॉर्मूले से आप छोटे लेंथ से भी, एक मीटर से, आप 2 मीटर या 3 मीटर से यार्न का एलवीएस काउंट निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है मीटर में, वेट लेना है ग्राम में, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपको एलवीएस काउंट प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम क्या होता है, इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि वेट कांस्टेंट होता है और लेंथ जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू काउंट। सपोज करिए जैसे जैसे आपका यार्न काउंट या यार्न नंबर बढ़ता जाएगा तो यार्न फाइनर होता जाएगा। स्क्रीन में आप देख सकते हो, एज द नंबर काउंट ऑफ यार्न इंक्रीजेज द यार्न बिकम्स फाइनर। तो इनडायरेक्ट सिस्टम के कुछ पॉपुलर जो यार्न काउंट सिस्टम है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चले जाइए, सबसे पॉपुलर जो है न्यू इंग्लिश काउंट NE, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NE, एनी मीन्स न्यू इंग्लिश काउंट। द नंबर ऑफ हैंक्स इसकी स्किन ऑफ 840 यार्ड इन ए पाउंड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश काउंट। मतलब ये हुआ कि 1 पाउंड वजन का आपने धागा ले लिया, उसमें आपने 840 यार्ड के हैंक बनाने शुरू किए, और आपने एक हैंक बनाया साइड में रख दिया, एक हैंक दूसरा हैंक बनाया साइड में रख दिया, ऐसे ही आप धीरे धीरे हैंक बनाते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका हैं वो आपका यार्न खत्म हो जाएगा। जब यार्न खत्म हो जाएगा तो आप क्या करना है, आपको जो हैंक्स बनाए हैं आपने उसका नंबर गिनना है। मैं आपको बिल्कुल वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हैंक गिनना है। सपोज करिए जो आपने 1 पाउंड धागा लिया था उससे 10 हैंक बनते हैं, अगर आप 10 हैंक बने तो मतलब क्या हुआ, आपका यार्न काउंट हो गया, जो न्यू इंग्लिश काउंट हो गया वो हो गया 10। बिल्कुल सिंपल सिंपल में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल इजीली करते जाएंगे। अब ये तो आप तब कर सकते हो जब आपके पास में कौन फॉर्म में धागा है, या आपके पास में स्पूल है, या आपके पास में चीज है, तब तो आप उससे डिफरेंट डिफरेंट हैंक 840 यार्ड की बनाते जाओगे, या आप 840 की एक हैंक बना के भी उससे
यान काउंट फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लोगे। बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास में बहुत शॉर्ट लेंथ होती है यान की, उस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है, ना तो आप हैंक बना सकते हो, तो फिर आप डिफिकल्टीज में आ जाते हो, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये न्यू इंग्लिश काउंट का जो फॉर्मूला होता है कि कैसे निकलता है। अब ये देखो, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमने एल मीटर लेंथ ली और जो उस एल मीटर का जो वेट लिया वो है डब्ल्यू ग्राम। तो अब देखो, मैं आपको यहीं से आपकी डेरिवेशन चालू करना चालू करता हूं। अब आप इसमें देखोगे कि इसकी न्यू इंग्लिश काउंट की डेफिनेशन क्या है। तो भाई डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड इन ए पॉन्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश काउंट ऑफ ए यार्न। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने लेंथ ली है उसको हैंक में कन्वर्ट करना है। हैंक का लेंथ कितना रखना है वो आप समझ लीजिए, उसका रखना है 840 यार्ड। तो अब आपका क्या है कि एल मीटर है, क्लियर है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 840 यार्ड की हैंक में। देखिए बिल्कुल क्लियर सी चीज है, ये है आपका एल मीटर, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर बनता है। सेंटीमीटर बनने के बाद हमने 2.54 से भाग दिया तो ये बनता है आपका इंचेज, इंचेज में फिर हमने भाग दिया 36 से तो ये यार्ड बन जाता है, और यार्ड में हमने 840 से भाग दे दिया तो ये बन जाता है आपका हैंक। अब ये हैंक बना लिया आपने, अब यहां पर देखिए, अब जो वेट है आपका, अब हमने तो उसको मेजर किया है ग्राम में और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें चाहिए इसको एलवीएस में। तो हम क्या करते हैं, जो ग्राम में वेट आ रहा है डब्ल्यू, इसमें हम 453.6 का भाग दे देते हैं क्योंकि एक पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। अब आपको दोनों चीजें मिल गई, लेंथ इन हैंक भी मिल गया, वेट इन एलवीएस भी मिल गया। अब न्यू इंग्लिश काउंट क्या होती है, लेंथ इन हैंक ऑफ 840 यार्ड्स डिवाइडेड बाई वेट इन पाउंड्स। ओके, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट करी, लेंथ इन हैंक ऑफ 840 यार्ड्स, उसकी वैल्यू पुट करी हमने, ये है आपकी, ये वैल्यू है, ये हम आपको कर्सर घुमा के दिखा रहे हैं, और डिवाइडेड बाई वेट एंड पाउंड, वेट एंड पाउंड क्या है आपका, ये है। तो अब यहां से इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो होता है L इंटू 0.59 डिवाइडेड बाई वेट। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपने किसी कपड़े से लेना है, काउंट निकालनी है, काउंट के लिए आपने वही टुकड़े में जैसे धागा निकालते हो, छोटे छोटे धागे 10 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर के 10 धागे निकाले, 20 निकाले, 30, 40, 50, जो भी निकालना चाहते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है और जो भी सुटेबल लगता है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि अगर आप लोग या हम लोग इसमें अगर लेंथ की जितनी लंबाई कम लेंगे उतनी एरर मार्जिन बढ़ती जाती है रिजल्ट में। तो आप कोशिश करेंगे हमेशा जितनी लेंथ धागे की ज्यादा लोगे उतनी आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। दोस्तों ये हो गया आपका न्यू इंग्लिश काउंट। अब एक काउंट और बहुत पॉपुलर होता है और बहुत सिंपल भी होता है, इसमें ये होता है न्यू मीट्रिक काउंट। अब न्यू मीट्रिक काउंट क्या होता है, न्यू मीट्रिक काउंट बिल्कुल सिंपल सी चीज है, द लेंथ ऑफ यार्न इन मीटर ऑफ 1 ग्राम ऑफ यार्न और लेंथ ऑफ यार्न इन किलोमीटर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यार्न
इज कॉल्ड न्यू मीट्रिक काउंट। अच्छा दोस्तों, इस हमेशा जब भी कोई आपसे बात करेगा तो वो पूरा टर्म नहीं बोलेगा न्यू मीट्रिक काउंट, ही विल से एनएम। ये शॉर्ट फॉर्म है न्यू मीट्रिक काउंट का, तो हमेशा वो एनएम में बात करेगा। अब यहां पे सिंपल सी बात ये है कि न्यू मीट्रिक काउंट क्या होती है कि दोस्तों न्यू मीट्रिक काउंट क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है इसमें कि लेंथ इन किलोमीटर ऑफ 1 kg ऑफ यार्न, मतलब 1 kg धागे में कितनी लंबाई है 1 किलोमीटर में, वो उसकी न्यू मीट्रिक काउंट होती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें आपको कि 1 ग्राम धागे में कितने मीटर लंबाई है, तो उसको हम लोग, उस लंबाई को हम मीट्रिक काउंट बोलेंगे धागे का। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, आप लंबा धागा है तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसका रील बना लीजिए, मतलब हैंक बना सकते हैं। और अगर लंबा धागा नहीं है तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस को निकाल के उससे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेट लेना है और उसका लेंथ मेजर करना है। और सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ इन मीटर ऑफ 1 ग्राम ऑफ यार्न और लेंथ इन किलोमीटर ऑफ 1 kg ऑफ यार्न, तो वो सिंपल सी बात है, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि जो आपने लेंथ ली मीटर में वो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे जो आपने वेट लिया है उसको आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका न्यू मीट्रिक काउंट आ जाएगा। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे किसी भी धागे का न्यू मीट्रिक काउंट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा धागा फाइनर होता जाएगा। अब वो क्यों फाइनर होता है, क्योंकि इसमें वेट तो कॉन्स्टेंट होता है। अब 1 किलो धागे को सपोज करो खींच के आपने यार्न बनाया, 1 किलो कॉटन को खींच के आपने यार्न बनाया, तो 40 काउंट का यार्न बनाया, यानी कि 40 मीटर काउंट का यार्न बनाया, मतलब क्या हुआ 40 किलोमीटर हो गया वो लेंथ उसकी। अब उस युग अगर आप 80 किलोमीटर कर दोगे, जब 80 किलोमीटर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो धागा फाइन हो जाएगा। अब आप यहाँ किलोमीटर में भी ले सकते हो और इसको वेट को किलोग्राम में लेना पड़ेगा आपको, और बहुत सिंपल सी चीज है ये, इसको आपको करने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होती है। अब आता है लिनन काउंट। दोस्तों ये भी एक इनडायरेक्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है, ये लिनन के धागे में, या यूं कहें ये फ्लेक्स के धागे में प्रोबेबली यूज होता है, और इसकी डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 300 यार्ड्स इन ए पॉन्ड इज कॉल्ड लिनन काउंट और ली काउंट। दोस्तों जो 1 पाउंड वजन धागे में 300 यार्ड की कितनी हैंक बनती है, वो उस धागे का होता है लिनन काउंट और ली काउंट। अब जैसे जैसे ली काउंट बढ़ता जाता है तो धागा फाइनर होता जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सिस्टम का ये प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमने नीचे देखेंगे आप ये पूरा डेरिवेशन दिखाया हुआ, हमने ये निकाल के दिखाया है कि आप लिनन काउंट निकालते कैसे हैं। तो बिल्कुल वही बात है जैसे हमने आपको न्यू मीट्रिक काउंट में दिखाया, न्यू मीट्रिक काउंट में दिखाया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, वही हर टेक्सटाइल टेक्नीशियन को या टेक्सटाइल टेक्नोक्रेट को या लैब टेक्नीशियन को हमेशा प्रॉब्लम आती है कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से वो निकालता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, भाई 300 यार्ड धागा कहाँ से लाएं। अब 300 यार्ड आप ला नहीं सकते, अब कपड़े से आपको काउंट टेस्ट करनी है, मैक्सिमम किसी भी टेक्सटाइल लैब में आप जाओगे वहां पे कपड़ा मिलेगा आपको, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें किस काउंट का धागा लगा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके लिए लेंथ मीटर में चाहिए, फ्यू मीटर मिलेंगे आपको, और
वेट भी चूंकि एनालिटिकल बैलेंस होते हैं तो उनमें उनके लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी 200 300 ग्राम होती है जो एक्यूरेटली करते हैं, तो उसके लिए आपको वेट ग्राम में मिलेगा। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूले को हम मीटर और ग्राम में ही निकालते हैं। देखो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है कि जो यान की लेंथ है जो एल मीटर है और यान का वेट है जो डब्ल्यू ग्राम है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे उसकी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 300 यार्ड्स इन ए पाउंड। तो अभी सबसे पहले तो हम निकालते हैं जो आपने लेंथ ली है या जो अवेलेबल लेंथ है आपके पास, उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले 300 यार्ड्स की हैंक में कन्वर्ट करना है। जो हमने आपको यहाँ कर पहले भी दूसरे भी फॉर्मूले में हम दिखा चुके हैं, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2.54 से भाग दिया, फिर 36 से भाग दिया, फिर 300 से भाग दिया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको हैंक्स में धागे की लेंथ आ गई अभी। अब आपको क्या करना है कि जो धागे का आपने वेट निकाला है ग्राम में निकाला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पौंड में। तो ये है, ये देखिए आप यहाँ पर ये W डिवाइडेड बाई 453.6, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा आपका पाउंड। अब देखो लिनन काउंट ली क्या कहता है, अब यहां पर देखिए आप, यहां हमने आपको बता दिया। इसके बाद में लिनन काउंट क्या हो क्या कहता है, लिनन काउंट कहता है कि नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 300 यार्ड्स इन ए पाउंड इज कॉल्ड लिनन काउंट ली। तो हमने दोनों चीजें प्राप्त कर ली, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 300 यार्ड्स दिस वन, वेट इन पाउंड दिस वन, तो वो ये है यहां पे। तो हमने आप दोनों वैल्यू पुट कर दी, यहां पे नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 300 यार्ड्स ये पुट कर दी, यहां पे वेट इन पाउंड पुट कर दिया। तो इससे जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है, ये निकल के आता है L इंटू 1.653 डिवाइडेड बाई W। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी वो मीटर में होगी और W की जो वैल्यू होगी वो किसमें होगी, ग्राम में होगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक बढ़ते हैं एक बर्स्टेड काउंट। बर्स्टेड काउंट जो होता है वो ज्यादातर हम बर्स्टेड यार्ड में यूज करते हैं। तो वर्स्टेड काउंट एक्चुअल में होता क्या है, और एक चीज और, वर्स्टेड काउंट होता है जो वो होता है आपका इनडायरेक्ट सिस्टम में। अब सिंपल सी चीज है, तो वर्स्टेड काउंट बढ़ता जाएगा यानी फाइनर होता जाएगा। अब वर्स्टेड काउंट की डेफिनेशन क्या होती है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 560 यार्ड्स इन ए पॉन्ड ऑफ यार्न इज कॉल्ड वर्स्टेड काउंट। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द फाइननेस ऑफ वर्स्टेड यार्न। दोस्तों क्या होता है कि एक पौंड वजन धागे में जो हैंक्स की संख्या कितनी है, जबकि हम हैंक्स की प्रत्येक हैंक्स की लंबाई 560 यार्ड रखें तब। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको भी उसी मेथड से निकाला जाता है, आपके सामने इसका डेरिवेशन दिखाया हुआ है, आपने ले लिया यान का वेट ले लिया ग्राम में, लेंथ ले ली मीटर में। जब लेने के बाद में फिर हमने आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 560 के हैंक्स में। तो उसके लिए हमने 100 से गुणा किया, 2.54 से भाग दे दिया, 36 से भाग दिया, 560 से भाग दे दिया, ये हो गया नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 560 यार्ड्स। यहाँ देखिए हमने एलवी में वेट निकाला है, W जो ग्राम है उसको हमने भाग दे दिया 453.6 से, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हो गया आपका पाउंड में। अब वर्स्टेड काउंट जो होती है उसका जो
डेफिनेशन होती है उससे जो फॉर्मूला निकलता वो होता है नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 560 यार्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यार्न इन पाउंड। तो ये हो गया आपका सर नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 560 यार्ड, ये हो गया आपका पाउंड में वेट। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं सारे को तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए किसी भी धागे का काउंट निकाल सकते हैं वर्स्टेड काउंट के अंदर। तो अब आते हैं वूलन काउंट के ऊपर। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सिस्टम का एग्जांपल है। तो अब ऑब्वियसली बात है जब उसका नाम वूलन काउंट है तो वूलन यार्न के लिए ही यूज होता है। अब इसका इसमें जो सिस्टम है वूलन काउंट एक बायस डब्ल्यू सिस्टम में जो होती है तो उसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 256 यार्ड इन वन पाउंड ऑफ यार्न इज कॉल्ड वूलन काउंट इन बायस डब्ल्यू सिस्टम। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इससे अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाउंड यार्न का जो वजन होता है उसमें हम 256 यार्ड की कितनी हैंक्स बनती हैं, नंबर ऑफ हैंक्स 256 यार्ड की कितनी बन रही हैं, वो उस धागे का वूलन काउंट होगा वाई एस डब्ल्यू सिस्टम में। जैसे जैसे आपका इस सिस्टम में काउंट बढ़ता जाएगा ये आपका जो फाइननेस है धागे की वो बढ़ती जाएगी, और ये जो सिस्टम होता है इनडायरेक्ट सिस्टम को फॉलो करता है। अब इसके अंदर हमने आपको डेरिवेशन करके दिखाया है फॉर्मूले का कि कैसे निकालते हैं। तो क्योंकि प्रॉब्लम सेम आनी है, कोई सा भी किसी का भी काउंट निकालो तो प्रॉब्लम सेम आनी है कि आपको लॉन्ग लेंथ बहुत कम मिलेगी। कब? क्योंकि ज्यादातर लैब्स के अंदर क्या होगा कि आपको कपड़ा मिलेगा, फैब्रिक सॉइस मिलेगा, तो उससे ही करनी है। तो इसलिए जो हमने फॉर्मूला हम आपको सारे फॉर्मूले दिखा रहे हैं, लेंथ मीटर में दिखा रहे हैं और वेट ग्राम में दिखा रहे हैं। तो आप इसमें यहाँ पे देखोगे कि सीधी सिंपल सी बात है, जैसे और ऊपर फॉर्मूलों में हमने किया है कि हमने जो भी लेंथ ली है उसको हमने 256 यार्ड के हैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो कन्वर्ट कर दिया आपका, आप देख पा रहे हैं कि हमने 2.54 से भाग दिया, फिर 36 से भाग दिया, फिर 256 से भाग दिया, ये आपका आ गया, ये चीज आ गई आपके नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 256 यार्ड्स। अब इस जो हमने वेट निकाला था एनालिटिकल बैलेंस से, जो हमने वेट निकाला था वो निकाला था ग्राम में। तो अब इस ग्राम को हमने कन्वर्ट किया पाउंड में, उसके लिए हमने 453.6 का भाग दिया यानी कि डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका पाउंड में वजन। अब वूलन काउंट वाई एस डब्ल्यू की डेफिनेशन को देखते हुए हम इसको फॉर्मूला ये हम जो लिख रहे हैं इसमें पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 256 यार्ड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ यार्न इन पाउंड। तो ये हमने देखो नंबर ऑफ हैंक्स जो बनी 256 यार्ड की ये वैल्यू रख दी, ये नीचे वैल्यू रख दी जो यार्न का वेट पाउंड में उसकी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वूलन काउंट वाई एस डब्ल्यू जो आता है, जो लेंथ और वेट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है लेंथ इंटू 1.9377 डिवाइडेड बाई वेट, वेयर एल इज इन मीटर एंड डब्ल्यू इज इन ग्राम। तो दोस्तों अब समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और वूलन काउंट होता है उसको बोलते हैं ड्यूसबरी, वूलन काउंट ड्यूसबरी। तो जो वूलन काउंट ड्यूसबरी होता है तो इसमें क्या होता है, ये भी इनडायरेक्ट सिस्टम को फॉलो करता है कि वेट फिक्स रहता है, लेंथ वेरी करती है। तो अब आप इसकी जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन है, the number of yards in one pound of, जैसे आप देख पा रहे हैं कि the number of yards in one ounce of yarn is called
उलन काउंट ड्यूसबरी। तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि उलन काउंट उसका नाम ही है तो उलन के धागे में यूज होगा। जैसे जैसे इसकी फाइननेस बढ़ती जाती है तो काउंट बढ़ती जाती है, या यूं कहें जैसे जैसे काउंट बढ़ती जाती है तो फाइननेस बढ़ती जाती है। अब हम आपको इसका नीचे डेरिवेशन दिखा रहे हैं। ये डेरिवेशन इसका ये क्या है, लेंथ इन यार्ड। अब हमने क्या लिया है, एल लिया, एल मीन्स लेंथ, लेंथ लिया मीटर में, वेट डब्ल्यू लिया है ग्राम में। अब आप देखिए जो हमने लेंथ मीटर में लिए उसको हमने कन्वर्ट कर लिया यार्ड में। तो कैसे कन्वर्ट किया, मीटर में 100 का भाग हमने लेंथ को यार्ड में कैसे कन्वर्ट किया, ये आप यहां पे देख सकते हो। ये एल क्या है, लेंथ है मीटर में। तो अब मीटर को हमने क्या करा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, इसलिए कि ये सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ को 2.54 से भाग दिया तो ये बन गया इंच। और जब हमने इंच है तो अब हम इसको 36 से भाग दे देते हैं तो ये बन गया यार्ड। यानी कि 36 से जब भाग देंगे तो ये यार्ड बन जाएगा, भाग मतलब डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है हमें, जो हमारा वेट का है, वेट है डब्ल्यू ग्राम। अब डब्ल्यू ग्राम है हमें किसमें चाहिए, हमें चाहिए वेट औंस में। तो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम्स, इसलिए हमने वेट को डिवाइड कर दिया 28.35 ग्राम। इसीलिए हमने ये जो वेट है ग्राम में इसको डिवाइड कर दिया 28.35 से। जब हमने 28.35 से इसको डिवाइड किया अब ये औंसेज में वेट आ गया है। जब औंसेज में वेट आ गया तो भैया हमारे और आपके काउंट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। जैसे कि उसकी परिभाषा है उलन काउंट ड्यूसबरी की, तो लेंथ इन यार्ड और डिवाइडेड बाई वेट इन औंसेज। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लेंथ इन यार्ड, तो हमने ये पहले निकाल ली थी, ये आ गई और ये हो गया वेट इन औंसेज। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है फॉर्मूला, उलन काउंट ड्यूसबरी इज इक्वल टू एल इंटू 31 डिवाइडेड बाई वेट। अब इसके अंदर जो एल है वो किसमें है, मीटर में है, डब्ल्यू किसमें है, औंसेज। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है कि आपको हम ये काउंट का जो प्रिंसिपल है, डिफरेंट डिफरेंट यान काउंट सिस्टम्स हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक तरीके से जहां पे आपके समझ में भी आए, तो मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाया मैंने और आपकी कठिनाई को मैंने सरल बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लाइक का बटन करके जरूर बताएं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा नया टॉपिक लेकर फिर मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, मैं टेक्सटाइल ब्लॉगर हूं तो bloggers.com पे ब्लॉग लिखता हूं। मेरा URL है www.textileadvisor.com, TextileAdvisor.com। तो आप हमारे URL को लॉगिन करके पूरा वीडियो का डिटेल, पूरे मैटर का डिटेल, पूरे सब्जेक्ट को वहां पर जाके रीड भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।